हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिसिंग पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 13 इयर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक होम रेमेडीज बताने वाली हूँ जिससे कि आपके दांतों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो ऐसी होम रेमेडीज हर किसी के किचन में अवेलेबल होगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दांत का दर्द एक ऐसा हॉरेबल पेन होता है जो बहुत असहनीय दर्द होता है, बिल्कुल सहन नहीं होता है। वैसे तो आजकल हर कोई मेडिसिन ले लेता है, बट कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन से भी दांत का दर्द नहीं कम हो रहा है, या फिर आप ऐसी जगह में हो जहाँ पे मेडिसिन या मेडिकल शॉप्स नहीं है, या फिर मोस्टली जैसे कि दांत का दर्द होता है रात में होता है तो उस टाइम पे कभी किसी के पास मेडिसिन नहीं है, फिर या फिर मेडिकल शॉप कोई ओपन नहीं है, नियर में कोई मेडिकल शॉप नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप फंस गए हो तो घबराइए मत। मैं आपको आज एक होम रेमेडी बताने वाली हूँ और बहुत सिंपल है एंड आपके किचन में अवेलेबल जरूर होगी। तो वो होम रेमेडी से आप अपने दांत के दर्द को तुरंत खत्म कर सकते हैं। सो सबसे पहले जानते हैं ऐसी क्या होम रेमेडीज है। वो है क्लोव। क्लोव यानी कि लौंग। लौंग के बहुत सारे फायदे आयुर्वेद में हमने बहुत सारे सुने हैं, लेकिन आज मैं आपके दांतों में इसका क्या फायदा होता है वो बताऊंगी। लौंग एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करता है। इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो उस एरिया को नम कर देता है। तो जहाँ पे भी आप लौंग रखोगे या अगर आप लौंग खाओगे तो उस वो एरिया वहाँ पर आपका नम हो जाता है, क्योंकि इसके एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो अब इसमें इसको अपने दांत में किस तरीके से यूज़ करना है वो इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपके दांत में बहुत दर्द है, चाहे वो दांत में कैविटी की वजह से हो या फिर कोई और समस्या हो, मसूड़ों में दर्द हो, तो आपको क्या करना है, लौंग की 2 या 3 लौंग लेनी है। साबुत लौंग अगर आपके किचन में है तो वो 2-3 लौंग लेनी है एंड उसको बारीक पीस लीजिए। जब आप उसको बारीक पीस लेंगे तो उसमें थोड़ा सा 2 या 3 ड्रॉप कोकोनट ऑयल के मिला के और उसका एक पेस्ट बना के उस पेस्ट को उस जगह में रखना है जहाँ पे आपके दर्द हो रहा है। यानी कि अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है, दांत के अंदर आपको दिख रहा है कि इस पोजीशन में मुझे दर्द हो रहा है, तो आपको उस पोजीशन में रखना है। तो किस तरीके से रखोगे, आप स्मॉल छोटी सी कॉटन पैलेट बनाओगे एंड उसको वहाँ पे रखोगे एंड उसको ऐसे ही रखोगे 15 से 20 मिनट तक। उस कॉटन पैलेट को ऐसे लगा के रखोगे तो इससे आपका दर्द 2 या 3 मिनट में बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है जो आपके दांत के दर्द को इमिडिएटली कम कर देगा। दूसरी हम बात करते हैं, अगर आपके पास क्लोव नहीं है तो बहुत लोगों के पास क्लोव ऑयल होता है, तो क्लोव ऑयल को भी आपने इसी तरीके से इस्तेमाल करना। आप क्या कर सकते हैं, एक एयरबड होता है उसके हेल्प से भी आप वहाँ पे उस एरिया में लगा सकते हैं और उसको ऐसे छोड़ सकते हैं, या फिर आप कॉटन की पैलेट बना के उस एरिया में रख सकते हैं एंड उसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये आप जरूर करिए और मुझे बताइए कि आपके दांत का दर्द कम हुआ है कि नहीं हुआ। एंड ये मोस्टली लोगों को, 99% लोगों के दांतों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बट मैं फिर भी आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा पेन है, कि आपका बिल्कुल दर्द खत्म नहीं हो रहा है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।